ईस्वीकरण। सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है, ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। याद रहे, अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मेडिकोस लाइफलाइन ये यूट्यूब चैनल इस जानकारी के लिए दावा नहीं करता। क्लिप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सब लोगों को आर्थराइटिस से रिलेटेड फूड बताने जा रही हूँ, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में बताऊँगी, जो फूड है एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, मतलब जो भी आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रोमोटाइज लूप्स हैं, हमें हेल्दी डाइट पर जाना चाहिए। जो फूड वेट बढ़ाते हैं, जैसे कि ऑयली फूड, फैटी फूड, फ्राइड फूड, इन सब को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें रिफाइंड शुगर होती है, जैसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, कोला, पेप्सी, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। हाई इंटेक ऑफ अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। वेट रेड मीट, जैसे कि मटन है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जो शुगर, जैसे कि कैंडीज हैं, बिस्किट्स हैं, मफन्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर होती है, इन फूड्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी खाना जिसमें कि हाई प्रोटीन हो, जैसे कि आप कैल्शियम डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट, जैसे दूध है, पनीर है, दही है, ये सभी ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स सारे ही टाइप के आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं पाइन एप्पल है, पपाया है, पोमोग्रेनेट है, एप्पल है, कीवी है, पपाया है, इन सभी में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। आप गठिया की दवाई के साथ हेल्दी डाइट लें, वो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद है हल्दी, जैसे कि करक्यूमिन कहते हैं, वो भी अच्छा होता है। अदरक, तुलसी, दालचीनी, जीरे का पानी, सभी एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। जिस पेशेंट को पेट की तकलीफ़ होती है या हमारी गठिया की दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, वो पेशेंट भी अपनी डाइट पर कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा हैवी मील्स नहीं खाएं। रात के 8 बजे के बाद डिनर में कुछ पेशेंट में देखा गया है, उनका वेट ज़्यादा बढ़ता है, वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं या अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके, जिस तरह के उनके दिनचर्या के रूटीन में है उनको सूट करता है, उस तरह से अपने फूड्स के मील्स को डिवाइड करें। नॉन वेज में वो चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप हेल्दी फूड्स में सब पोषण में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, सारी दालें ले सकते हैं, दालों से कोई नुकसान नहीं होता है। ये हाई प्रोटीन होती हैं, वो हेल्दी हैं और आपके लिए बहुत अच्छी सोर्स हैं। सारे ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सभी प्रकार की वेजिटेबल्स अलाउड हैं। पेशेंट सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, वो लोग विटामिन सी रिच फ्रूट्स और जैसे कि ऑरेंजेस हैं, मैंगोज़ है, लेमन है, ये सब आप लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये इन सब में नेचुरली विटामिन सी होता है। कैल्शियम रिच डाइट पनीर, दूध, दही, सारे ये सब मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप ले सकते हैं अगर आपको पेट को सूट करता है तो। इस तरह से आई थिंक एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, इन सबको अपना वेट रिड्यूस रखना है, वन और एक्सरसाइज करना है, डांसिंग, योगा, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, उसको आप अपने रूटीन में रखें। प्लस आपके रोमेटोलॉजिस्ट के पास आपके रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है लीवर किडनी फंक्शंस के, और सो दैट आपकी दवाइयों के साथ अगर आप हेल्दी डाइट रखें प्लस एक्सरसाइज करें तो एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा आपके अर्थराइटिस रिलेटेड कंडीशन का। तो फ्रेंड्स, ये थी इससे रिलेटेड खाना, आप क्या खाना चाहें, क्या आपकी लाइफ स्टाइल हो, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आपको कोई क्वेश्चन है तो। और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेडिकोज लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।